नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आए मुंबई के एक परिवार के साथ गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रसाद नहीं खरीदने पर दुकानदार और उसके साथी ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके परिवार के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील अमरदीप भट्टाचार्य मुंबई के बोरीवली वेस्ट के रहने वाले हैं। उनकी और उनके भाई हाईकोर्ट के वकील अमरदीप भट्टाचार्य का परिवार रविवार को महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुआ। इसके बाद सभी 8 लोग गाड़ी करके काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां दुकानदार राजा भाटी ने वकील से प्रसाद खरीदने को कहा। वकील ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। इसके बाद दुकानदार कहने लगा कि यहां गाड़ी लगाई है तो प्रसाद भी लो, तभी आगे जाने देंगे। दुकानदार की बात को नजरअंदाज कर वकील परिवार जाने लगा तो दुकानदार ने जबरदस्ती गाड़ी के अंदर प्रसाद फेंक दिया, 200 रुपए की मांग करने लगा। वकील ने काफी समझाया लेकिन दुकानदार सुनने को तैयार नहीं था। 60 से 70 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के ड्राइवर कमल कुमार को धमकाया, वकील का सिर फोड़ दिया, वकील की भाभी को बाल से खींचकर बाहर निकाला। बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। मारपीट से वकील परिवार के 3 लोग घायल हो गए। आरोपी घायल लोगों को अस्पताल नहीं जाने दे रहे थे। किसी तरह मैजिक ड्राइवर कमल कुमार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोपी भी पीछे से जिला अस्पताल पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में ही परिवार को धमकाया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि घटना में राजा भाटी को हिरासत में ले लिया गया है, उसे भी चोट लगी है। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए उज्जैन प्रशासन ने 15 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इसमें मामले के मुख्य आरोपी की भी दुकान शामिल है। उज्जैन एसपी और कलेक्टर ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काल भैरव मंदिर पर आज सुबह श्रद्धालु हैं जो बंबई से आए थे और एक मैजिक के माध्यम से जब वहां पर पहुंचे तो एक राजा भाटी नाम का आदमी है, उसकी दुकान के सामने मैजिक रुकी और फिर उन्होंने आगे बढ़कर इसी दुकान से प्रसाद और सामग्री खरीदी और फिर दर्शन करके जब ये लौटे तो ये राजा भाटी इनसे जिद करने लगा कि आपको मेरी दुकान से ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद उसने मैजिक वाले के साथ भी मारपीट की और जो मुंबई से श्रद्धालु आए इनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मुंबई के जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आए उनके यहाँ से 3 लोगों को चोट लगी है। इनकी तरफ से 327 का मामला दर्ज किया जा रहा है। साथ में जो राजा भाटी को चोट लगी है उसके संबंध में भी अभी मेडिकल कराया गया, परंतु इससे रिलेटेड इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एसडीएम कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है तो एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं और इसमें जो अवैध दुकानें होंगी अभी उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, राजा भाटी हमारी कस्टडी में है परंतु अभी क्योंकि वो इलाज करा रहा है तो इसलिए हम पहले उसको मेडिकल कराएंगे और उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, पहले भी इस पे कार्रवाई हुई है। कुछ दुकानदारों द्वारा ज़बरदस्ती लोगों से जो उनके दुकान के सामने रुकते हैं उनको ज़बरदस्ती सामान बेचने का प्रयास किया जाता है जो बिल्कुल अनुचित है। इसके संबंध में इन सभी को बाउंड ओवर भी किया जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, अगर इनकी कोई अवैध दुकान है जो बिना परमिशन के तो उसको भी वहां से हटाने की कार्रवाई अब की जाएगी। यहाँ पे आए थे आज हम लोग काल भैरव मंदिर में यहाँ पे दर्शन के लिए आए। दर्शन से जाके आने के बाद में जो वहाँ पे पार्किंग के यहाँ पे जो लोग प्रसाद वगैरह जो बांटते हैं वो लोग एकदम ऑल ऑफ अ सडन आ गए और उन लोगों ने कि हम लोग को हमारा प्रसाद लो आप लोग करके। हम लोग ऑलरेडी प्रसाद ले चुके थे, हम लोग गाड़ी में बैठने लगे तो बोलते हम लोग हमारा प्रसाद लिए बिना तुम लोगों को जाने को नहीं देंगे हम लोग, और गंदी गंदी गाली गलौज करने लग गए हम लोगों के साथ में। तो इन लोगों ने बोला तुम लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हो करके, एक साथ में सभी लोग इतने सारे पूरे एक बोलते ना झुंड का झुंड पूरा आ गया और ऑल ऑफ अ सडन है ना पूरा हर जगह से हम लोग को अटैक कर रहे गाड़ी में, खिड़की से दरवाजे के यहाँ से बाहर हम लोग नीचे उतरे, गाली तुम लोग क्यों दे रहे हो करके पूछने के लिए। तो बाम्बू कहाँ कहाँ से उठा के लेकर आए मालूम नहीं, और मेरे देवर को रॉड मारा है सिर के ऊपर। हम लोग 4 लोग एडवोकेट है इस ग्रुप में। कहाँ के हैं आप लोग, कहाँ से आए? हम लोग बॉम्बे से आए हैं, बोरीवली। आपका नाम बताओ? एडवोकेट अनुपमा भट्टाचार्य। मेरा भी सर इतना बीपी हाई हो गया ना, आई कांट, मेरे को तो बोलने को नहीं हो रहा है। बच्चों को ये